बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ. टुडे इज़ अवर लेक्चर नंबर 3 रिलेटेड टू योर मैथमेटिक्स बुक्स एंड द एक्सरसाइज वी विल डिस्कस एंड द सॉल्व हेयर ऑन द बोर्ड 3.5. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द बोर्ड एंड यू विल डू द रिमेनिंग पार्ट्स. आई विल डू फ्यू पार्ट्स एंड यू विल डू द अदर पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. 1/2 multiplied by 2/3 multiplied by 3/4. हम अपना फ्रैक्शन वाला चैप्टर कर रहे हैं. इसमें हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फिलिंग ऑफ द बॉक्सेस ये सारा कुछ किया. इसके करने के बाद हमारे पास 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है. अब हमने देखना है कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम इसका क्या करते हैं. अगर हमारे पास इसके लिए क्या सोल्यूशन है, हम लिखना शुरू करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4. अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपस में डिविजिबल हैं. 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 1 3. ये यहाँ पर इनको कट डाउन कर दिया और यहाँ पर ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गए. हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2. ये हमारे पास दो रकमें बची, हमने इन्हें लिखा. हम ऊपर इस तरह कर सकते हैं. अब डिनोमिनेटर सेम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2. हमारे पास जवाब आ जाएगा 1/4. यही हमारा आंसर है. जी स्टूडेंट, इसके बाद मैं इसका करूंगी क्वेश्चन नंबर 3. रकम मैं लिखूंगी 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5/7. ब्रैकेट डाल देंगे इन दो के दरमियान. सबसे पहले देखें क्या ये आपस में कट जाते हैं, तो हम देखेंगे कि ये नहीं कटते. हम लिखेंगे 1/5 इसी तरह अभी बाहर वाली रकम को, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 8 मल्टीप्लाई बाय 7. फ्रैक्शन के रूल्स को सामने रखते हुए हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, 25 and 56. अब आप देखेंगे ये कट सकते हैं. 5 1 5 5 5 25. हमारे पास बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और 1 मल्टीप्लाई बाय 56. यहाँ तक लिखने के बाद हमारे पास जवाब आएगा 5/56. सो स्टूडेंट, हमारा जवाब यही है. इसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी. 1/12 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 8/5. यहाँ तक लिखने के बाद हम इसका सलूशन स्टार्ट करेंगे. 1/12 इसी तरह लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 8/5/3. अगले स्टेप में क्या होगा, 1/12 इसी तरह रहेगा और जो हमारे पास 4 और मल्टीप्लाई बाय 8 है, हम इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ताकि हम आसानी के साथ इसे डिवाइड कर सकें. 1/12 मल्टीप्लाई बाय 4 8 32 और 15. 1/12 अब हम इसे काटेंगे अगले स्टेप में. 4 के टेबल पे से काट देंगे. 4 3 12 और 4 8 32. तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 8/15. यहाँ तक करने के बाद हमारे पास जवाब कुछ इस तरह आएगा, 8 1 8 मल्टीप्लाई किया और 15 3 45. हमारे पास ये आंसर है.
इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करके दूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी क्वेश्चन है इस बुक चैप्टर के इस एक्सरसाइज का, वो आपने अपनी नोटबुक पे करना है खुद से रफर के तौर पे। 1:2 ये मिक्स्ड नंबर में है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 2/3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2:3/4। यहाँ तक करने के बाद अब हम इसकी करेंगे हल करना शुरू करेंगे। हमारे पास ये करने के बाद आप करेंगे 3 1 3 और 2 प्लस किया, ये आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई करके 3 3 ज़ा 9, 9 और 2 11, 11/3 ये चेंज हो गया। इसी तरह 4 2 ज़ा 8, 8 and 3 11, नीचे वाले डिनोमिनेटर इसी तरह रहेगा। इसके बाद आ जाएगा 5 multiplied by 11 over 3 multiplied by 3 multiplied by 11 over 4, 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया 55 और 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय, ये मेरे पास एक जवाब आ गया 11/4। यहाँ तक करने के बाद आप 55 को मल्टीप्लाई करना है 11 से और 9 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 6 0 5 divided by 36। हमारे पास ये इसका आंसर है। सो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कल 3.6 की कॉन्सेप्ट के साथ और उसकी मश के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने को अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो काइंडली हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक्स भेजें और अपने कमेंट्स से हमें आगाह करें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहें। अल्लाह हाफिज़।